हरे कृष्णा सेवा संघ अलायंस क्लब ऑफ कोलकाता स्थित के सेवा कैंप का गंगा सागर मेला शिविर में उद्घाटन 9 जनवरी की शाम को बड़े ही भव्य तरीके से हुआ। उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए लायंस क्लब के हर यूनिट के मेंबर्स, जिनमें महिला मेंबर्स भी शामिल हैं, पूजा और आरती के बाद रिबन काट कर कैंप का उद्घाटन हुआ। तो आइए चलते हैं हरे कृष्णा सेवा संघ और लायंस क्लब ऑफ कोलकाता अतिथि के सेवा कैंप के उद्घाटन समारोह में और सुनते हैं सबने इस अवसर पर क्या कहा। हो जाता है और सेवा के द्वारा लायंस क्लब यहाँ से लेके चाहे वो गंगा सागर के घाट तक हो, जहाँ पे दोनों संगम हो रहे हैं, वहां तक इस बार लायंस के चारों तरफ परचम लहरा रहे हैं। तो एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ और आपका हौसला जाहिर भी करता हूँ और स्वयं खुद को गर्वित महसूस करता हूँ कि पूरी अस्तित्व की टीम और डिस्ट्रिक्ट के आज इतने 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और हमारे वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दोनों यहाँ उपस्थित हैं, हमारे कैबिनेट के मेंबर सारे उपस्थित हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट और क्लबों के इतने मेंबर उपस्थित हैं, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये भी एक महाकुंभ है और इसके अंदर हर एक व्यक्ति आहुति देना चाहता है। तो सेवा का कार्य बढ़ता जाए और हर एक व्यक्ति इस आहुति में, इस कार्य में अपनी आहुति। आज बहुत ही भव्य तरीके से आज आप लोगों ने उद्घाटन किया, क्या बोलेंगे आज गंगा सागर तीर्थ यात्रा? तो एक औपचारिकता है, लायंस क्लब सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, हमेशा अग्रसर रहता है और हमारे लायंस क्लब के साथ हरे कृष्ण सेवा संघ के साथ मिलकर यह कैंप पिछले कई सालों के साथ यहां पर आयोजित किया जा रहा है। हमें बहुत हर्ष होता है, हमें बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है जब हम यहाँ पर से गंगा सागर जाने वाले यात्रियों को भोजन के साथ या दवा के साथ या औषधियों के साथ में या किसी भी प्रकार से उनकी सेवा कर सकें। सारी सेवा यहाँ पर निःशुल्क है और हमें ये करके बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं लायंस क्लब ऑफ अस्तित्व के सभी मेम्बर्स को ऐसी एक्टिविटी को आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रकार की एक्टिविटी पूरे साल भर करते रहें ताकि लायंस क्लब के दूसरे मेंबरों में जोश से वो लोग सराबोर रहे और ऐसा काम हो सके। धन्यवाद। आज आप लोगों का हरे कृष्णा कैंप का आज उद्घाटन हुआ, काली मैया की जय, गंगा मैया की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, आज के आनंद की जय, संत समाज की जय, भक्त और भगवान की जय। हमारा नाश्ता 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, फिर दिन भर खाना, जरूरत के हिसाब से रात में भी खाना, इसके अलावा यहाँ रहने की सुविधा, हेल्थ चेकअप कैंप्स और जरूरी दवाइयों की सुविधा हम सब देते हैं और हरे कृष्ण सेवा संघ की जो मेंबर्स है और अस्तित्व के मेंबर्स मिलके हम लोग ये सेवा कार्य करते हैं। आपका परिचय? हमारा 28वां साल। आपका परिचय? सुप्रिया सिंह, जो दोनों संस्था से जुड़े हुए हैं। हरे कृष्ण सेवा संघ का आज उद्घाटन हुआ बहुत ही भव्य तरीके से, क्या बोलेंगी इसको लेकर? आज लायंस क्लब अस्तित्व और हरे कृष्ण सेवा के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजित किया गया है इस बार। तो कहा जाता है कि तो दृश्य वही है जो हम हर बार देखते हैं, लेकिन जो नए तरीके से नए लोग जुड़ गए हैं और ये सेवा का कार्य, जैसा कि सभी ने यहाँ कहा इसके पहले कि हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो भगवान भी ये कहते हैं कि धरती पे जो हमने जन्म लिया है तो हमें दूसरों की सेवा करके जो हम जो होता है वो ऋण चुकाते हैं, वो कर चुकाते हैं धरती पे रहने का। तो ये एक बहुत ही सुंदर और पावन मौका है जहाँ की ये करीब 8 से 9 दिनों तक इन तीर्थ यात्रियों की सेवा की जाती है और इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहती हूँ लायंस क्लब कोलकाता अस्तित्व को, जिसने अभी अभी कुछ महीने पहले जन्म लिया है और इतने बड़े बड़े काम कीर्तिमान स्थापित कर रही है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छे से ये कैंप उन लोग संपादित करें, यही शुभकामना। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं सुधा जायसवाल, 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर।